ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। 31 जुलाई एटा हाईवे पर दिन दहाड़े हुई लूट। उत्तर प्रदेश में चुनावी रंजिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला जनपद एटा के NH91 हाईवे का है, जहां स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने एक टाटा लोडर गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए दिन दहाड़े लोडर गाड़ी को लूट ले गए। स्थानीय लोगों ने घायल के परिजनों और मालिक को सूचना दी, तब घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं परिजन और गाड़ी मालिक ने थाना पिलुआ में लूट और जानलेवा हमले की तहरीर देकर SSP से न्याय की मांग की है। वहीं थाना अध्यक्ष जांच के बाद कार्यवाही की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला NH91 पर स्थित थाना पिलुआ क्षेत्र के सुना गांव का है, जहां वार्ड नंबर 22 से समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य के संभावित प्रत्याशी देवेंद्र सिंह यादव उर्फ राजा साहब की गाड़ी का मामला है, जो कि आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर इनके लोग सुना गांव में पोस्टर लगा रहे थे। तभी 3 से 4 अज्ञात व्यक्ति स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए और बिना वजह के ही ड्राइवर से मारपीट करते हुए टाटा लोडर गाड़ी HR61D3362 को लूट कर फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी, तब मौके पर पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल करते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं जिला पंचायत प्रत्याशी देवेंद्र सिंह यादव उर्फ राजा रॉयल्स ने अपने चुनावी प्रतिद्वंद्विता की रंजिश की आशंका जाहिर की है। वहीं आप पुलिस जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई की बात कर रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। जी, क्या हुआ है, क्या मामला था? मेरा ड्राइवर है, पोस्टर लगा रहा था सुन्ना सिहोरी में जी। तो GT रोड पर गाड़ी खड़ी थी, इतवीर नाम है उसका। और रोड से बता रहा है कि स्कॉर्पियो में 5-6 लोग आए थे, उसको प्रहार करते हुए चले आए, उसके सिर में काफी चोट है और गाड़ी लेके लूट के भाग गए। कौन लोग थे वो? उनका पता नहीं है, लापता व्यक्ति है, कौन से पता नहीं है। क्या कोई पहचान वाले हैं? नहीं, कोई पहचान नहीं हुई। तो मतलब क्या मकसद क्या था उनका, ये तो कुछ बता नहीं सकते हैं, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। पुलिस इसके तहकीकात करेगी। FIR करा दी है? FIR अभी होगी, अभी तो व्यक्ति की चोट लगी हुई है काफी, तो उसे जिला अस्पताल लेके आएंगे। कैसी हालत है उसकी? अभी तो नाजुक है, काफी गंभीर चोट है। कुछ कैश वैस भी था, कुछ कोई ऐसा सामान, कोई लूटपाट किया? अब वो जब उसमें आएगा जब भी बताएगा क्या था, मुझे तो इतना